अर्काको उक्साहटमा अर्काले भनेर भनेर अपमान गर्नु भनेको इतिहास नबुझ्नु। दुई अभिनेत्री मनीषा कोइरालाले नेपालकै विवादित नक्षेपर नेपालका पक्ष लिया है। भारत की सेना दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर बड़ी सेना मानी जाती है, जबकि नेपाल की सेना इस लिस्ट में 122वें नंबर पर है। नेपालले लिपुलेख, लिम्फुआधुरा र कालापानीलाई समेटेर राजनीतिक तथा प्रशासनिक नयाँ नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरेपछि भारतमा यति बेला माहौल गर्माएको छ। सधैँ असल छिमेकीको ढोङ्गे गर्दै नेपालको सीमामा गिद्धे नजर लगाउने भारतलाई यो नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। कैलाश मानसरोवर जाने बाटो उद्घाटन गर्दै भारतले सीमा अतिक्रमण गरेको हो। भारतले बारम्बार सानो देश भन्दै गरेको हेपा प्रवृत्तिप्रति नेपाली जनताले विरोध गरेपछि नेपाल सरकारले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्दै नेपालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस्तो जवाब दिए। विश्वलाई थाहा छ, विश्वमा 19 राष्ट्र गुलाम भएनन्, गुलाम नभएका 19 राष्ट्रमध्ये एउटा राष्ट्र नेपाल। त्यो गुलामी नस्वीकार्ने बरु ज्यानको बाजी राखेर लड्न तयार हुने, अर्काको उक्साहटमा अर्काले भनेर भनेर अपमान गर्नु भनेको इतिहास नबुझ्नु, अर्काको गौरवमाथि हमला बोल्नु, गौरव नचिन्नु, त्यस कुरालाई हामी। प्रधानमन्त्री ओलीले भारतलाई चुनौती दिँदै संसदबाट नेपाल कसैको गुलाम नभएको देश, कसैको इसारामा चल्दैन भनेपछि भारतका केही मिडियाहरूमा हङ्गामा सुरु भएको छ। यति मात्र नभएर नेपाली चेली तथा बलिउड अभिनेत्री मनीषा कोइरालाले गरेको ट्विटले त झन् तहल्का मचाएको छ। मनीषा कोइरालाले नेपालकै विवादित नक्षेपर नेपालका पक्ष लिया है। नेपाली अभिनेत्रीले नेपालकै दावेको सही बताया है। नेपाली विदेश मन्त्री प्रदीप गवयाली के ट्विट का जवाब देते हुए मनीषा कोइरालाले ये भी बात कही है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने इस मुद्दे पर चीन को भी पार्टी माना है। दरअसल मनीषा कोइराला का अगर आप ट्वीट देखें तो बकायदा उन्होंने कहा है कि जो दावा नेपाल की कैबिनेट ने नए मैप के जरिए किया है वो ठीक है। मनीषा कोइराला यही नहीं रुकी, वो तो आगे जाकर ये कह गई कि अच्छी बात है कि अब तीन देश मिलकर इस मुद्दे पर बात कर सकते हैं। तीन देश मतलब भारत, नेपाल और चीन। देखिए, नेपाल ने अपनी कैबिनेट में भारत के तीन इलाकों को अपने इलाके का बताया, अपना बताया और उसको लेकर एक विवादित नक्शा पास किया। उसी पर मुखर होकर अब सामने आ गई हैं मनीषा कोइराला, जो कि अब तक कहीं भी तस्वीर में नहीं थी और उन्होंने इस मुद्दे पर एक विवादित बयान दे दिया। नेपाल को भूभाग में आंखा लगाउँदा कुनै पनि हालत में नेपाल मान्य नहुने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई छ। त्यसैगरी सीमा को विषय में सत्ता पक्ष विपक्ष नभएर देशका सम्पूर्ण नेपाली एक भएको कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले भारतीय मिडियामा अन्तर्वार्ता दिएका छन्। यो अन्तर्वार्ताले भारतको राजनीतिक वित्तमा तरङ्ग पैदा गरेको छ।